अभी मैं निकल रही हूँ सोलन, तो आपको दिख ही गया होगा सुबह सुबह मैं तैयार बैठी हूँ, नहीं तो इतनी जल्दी तो आपको खिलरी विलरी मिलती हूँ हमेशा। जो भी कितर देता है वो ये देखो। तो जी गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम सबको। और आज की नई सुबह में फिर से आपका स्वागत। आप लोगों का दिन शुभ हो, जहाँ पे भी रहो सुखी रहो, तंदुरुस्त रहो और मस्त रहो। और आज की मेरे दिन की शुरुआत होगी है, जल्दी होगी है खैर। अभी मैं निकल रही हूँ सोलन, तो आपको दिख ही गया होगा सुबह सुबह मैं तैयार बैठी हूँ, नहीं तो इतनी जल्दी तो आपको खिलरी विलरी मिलती हूँ हमेशा। नहीं खैर, 10 बजे तक तो मैं नहा लेती हूँ, तो मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ ना, वो सुबह सुबह मॉर्निंग में बोलती हूँ, जल्दी किचन से बोली जाती है अक्सर। तो चलो आज मैं सोलन जा रही हूँ, कुछ काम है सोलन में, काम भी है और आज मेरी ना सिस्टर का श्राद्ध भी है, पर काम था उस वजह से जा रही हूँ श्राद्ध के लिए, तो आपको पता भी स्पेशल सोलन जाना पॉसिबल नहीं था। पापा के श्राद्ध पे देखूंगी आगे, तो बस अपना काम भी करते हैं, कुछ जरूरी सा काम है और फिर बस मतलब श्राद्ध भी खा के आएंगे भाई के घर जाके। और आज मेरे भाई का बर्थडे है, एक ही भाई, आप लोगों को पता 3 बहन एक भाई हम, तो मेरे भाई को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई को अपनी जो है वो आशीर्वाद देना, दुआएं करना उसके लिए भी, भगवान करे वो जिंदगी में कामयाब, तो खैर बहुत है वो, बहुत बहुत कामयाब है और अपने दम पे कामयाब हुआ वो। उसने मतलब एक तो होता है ना एंसेस्टर, पीछे से कोई किसी को कुछ मिला है या वो किया है, नहीं उसने अपने दम पे उठा है वो, बिल्कुल मतलब जीरो था और उससे जीरो से आज जिस मुकाम पे ना, तो हमें गर्व महसूस होता है। ठीक है ना, माँ बाप के दम पे तो हर एक उछल लेता है, लेकिन जो बच्चा ना अपने दम पे बन के दिखाता है ना, वो सच में प्राउड की फील है। और हमें अपने भाई पे हमेशा प्राउड रहेगा, और है भी वो मतलब बहुत जो एक सॉफ्ट हार्टेड इंसान होता है ना, और बिल्कुल प्योर हार्टेड इंसान है वो। तो चलो मेरे भाई को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, आप मेरे भाई के लिए जरूर ब्लेसिंग देना, अपना ढेर सारा प्यार देना उसको। तो चलो मैं दिखाऊंगी आपको। कोशिश करेंगे भाई कुछ करें उसके लिए, पर पता नहीं अभी तो, क्योंकि कल हमारा जाने का था नहीं रात को ना, अभी प्रॉपर नहीं था हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, अंशुल का कुछ काम था, पर चलो उसने कल के लिए पोस्टपोन कर दिया अपना काम, तो जा रहे हैं पर देखते हैं, क्योंकि अब शॉप्स वगैरह गई थी वो खुली नहीं है अभी, कोई भी नहीं यहाँ पे, 10 बजे के बाद खुलती हैं, पर चलो देखते हैं रास्ते में कुछ होता है तो कोशिश करेंगे, कभी कुछ कर नहीं पाए उसके लिए, तो चलो जो भी है, जो किसी के मुकद्दर में होता है। और मेरा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आज भी कल भी और पूरी लाइफ उसके पास रहे, उसके साथ रहेगा। तो मेरे भाई को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं फिर से, और आप भी ब्लेसिंग्स देना मेरे भाई को। A few moments later. तो निकल पड़े राइडर्स, जैसे कि आपको दिख रहा है, क्योंकि हम जब दोनों अलग अकेले होते हैं ना, तो हम ना तो बस में जाते हैं ना गाड़ी में, हम लोग स्कूटी पे जाते हैं। तो बस निकल पड़े हम लोग, 10:30 का टाइम हो रहा है और 10:30 निकले हम दोनों ना, तो बस आगे का सफर देखना मेरे साथ साथ, मैं आपको दिखाऊंगी कैसा रहा हमारा सफर और कहां कहां से निकल रहे हैं। तो अभी तो खैर हम उससे निकल रहे हैं, आपको पंचकुला से होके निकले चंडीगढ़ से, आज जल्दी निकल गए आज ना, ज्यादा वो नहीं था, ट्रैफिक नहीं था। और सबसे बड़ा जो स्कूटी का वो होता है ना बेनिफिट, पता है क्या होता है, आपको ना इस लाइन से निकलना पड़ता है, आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। और कर लिया हमने उसकी हिमाचल की सीमा में हमने एंट्री कर ली, बस यहाँ से हिमाचल शुरू हो जाता है। अगर कालका होके आओ तो परमाणु से होता है, और अगर यहाँ से आओ तो परमाणु शुरू हो गया यहाँ से। और हम लोग रुके कुछ देर यहाँ पे मिठाई के लिए, अंशुल गया सामने ईशर स्वीट्स है, चंडीगढ़ से नहीं लेके आए हम, मैं कहा इस बार ना नई मिठाई लेके जाएंगे, मेरे भाई को ना मीठा बहुत खुश होके खाता है, तो हम ना यहाँ से लेके आए, बहुत अच्छी मिठाइयाँ होती इनकी। और बस निकल पड़े हैं आगे, और मैंने इस बार ना ज्यादा शूट नहीं किया रास्ते का, क्योंकि बहुत बार दिखा चुकी हूँ। और ये देखो यहाँ से ना अब आपका जिस उस पे मैं जा रही हूँ, हम लोग नीचे 4 लेन से जा रहे हैं, तो यहाँ से ना वो हो गया है, दिखना शुरू हो गया, मतलब हिमाचल ना, हिमाचल नहीं, आपका सोलन दिखना शुरू हो गया है, सोलन की सीमा शुरू होगी यहाँ से, और सामने ना सोलन दिखता है, तो बहुत सुंदर लगता है यहाँ से देखना। पता नहीं आप लोगों को इसमें
अच्छा लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें बहुत सुंदर लगता है। और बस सोलन के नजदीक ही है हम लोग, ये आपका सोलन के आसपास का ही एरिया है। और मैं आपको ना आगे दिखाऊंगी, यहाँ पे ना थोड़ा आगे जाके, और ये देखो ये यहाँ पे ना नाथ देवता का मंदिर है, और उस मंदिर से ना मेरी ऐसी मनोकामनाएं पूरी हुई है ना जो कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी ये हो सकता है। और यहाँ पे आके ना पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाती है मुझे ना जब भी इस एरिया से गुजरती हूँ। और ये देखो सामने जो येलो कलर की वो स्कूल बसेस है ना, ये बिल्कुल इसके पास ही ना रेचल जो फर्स्ट टाइम मैंने स्कूल में लगाया था ना ब्लॉसम एक्टिविटी, वो यहाँ पे था उसका। तो बस हम लोग पहुंच गए सोलन, और ये है आपका सोलन का दोरी दीवार बोलते हैं यहाँ पे ना। बहुत घूमे उर्मिल, अगर आप देख रहे हो ना तो आपको शायद कुछ याद आ रहा होगा ये देख के सामने। लेकिन अब ना पता क्या है, यहाँ पे भी ना इस तरफ से भी ना चौड़ा हो गया ना रास्ता, तो वो अब शॉप्स नहीं रही हैं, शॉप्स अलग अलग हो गई, काफी चेंज हो गया सोलन भी ना, काफी बदल गया है। तो हम लोग यहाँ पे ना रुके थे सामने से ना, हमने ना चॉकलेट लेनी थी भतीजी के लिए, नीचे से लेके आए, मैं कहा खराब हो जाएगी। और जो ऊपर रास्ता जा रहा है ना वो जा रहा है आपका सोलन की तरफ को, और ये जो ये रास्ता जा रहा है जिस रास्ते पे हम चले हैं ना, ये भाई के घर की तरफ भी जा रहा है और मेरे मायके का रास्ता भी यही है। इस रास्ते पे ना मतलब इतना चली हूँ क्योंकि इसके आगे थोड़ा सा ना मेरी सिस्टर का वो है, जहाँ मेरी सिस्टर रहती थी ना कविता, आप अक्सर उसकी गुगू की दादी यहाँ रहते थे मेरे जिया जी, और वो ना जिया जी ट्रांसपोर्ट में थे तो यहाँ रहते थे वो लोग, तो इस रास्ते पे तो अक्सर मतलब बहुत चलना होता था। तो जब भी यहाँ से गुजरो ना वो यादें ताजा हो जाती है। और ये बस बिल्कुल पास में नीचे था ना जो वो सिस्टर का था, और पहुंच गए हम वहाँ पे, बस अभी आके बैठे हैं, पानी पूरी पिया है। और ये देखो ये मेरा भाई है, एक ही भाई आपको पता ही, मेरा भाई है राजीव, और ये है उनका डॉग भाई, इतना लाड करता है ये। और बस अब हम लोग खाने के लिए बैठ चुके हैं क्योंकि श्राद्ध था ना आज, श्राद्ध पे बुलाया हुआ था, मेरी सिस्टर का श्राद्ध है। मेरी जो उससे बड़ी सिस्टर थी ना वो कुछ छोटी उम्र में 10-11 साल की थी, उसकी डेथ हो गई थी। तो बस भाई भी साथ में बैठ रहा है, और हमारे ना यहाँ इस तरह से देते हैं, पहले हमारे हलवा और खीर वगैरह ना पहले सबसे पहले ऐसे देंगे। बस अब पितरों को प्रणाम करके अंशुल कह रहा है, कहते मम्मी के ब्लॉग के लिए वो कर रहा हूँ, अंशुल शूट कर रहा था, तो बस खाना खाने लगेंगे। और बस खाना खुना खा के अब रेस्ट करने बैठ गए, खाना खुना खा लिया, सबने ही खा लिया, भाभी रह गए हैं। शिखा के पांव उसने पहले धुला दिए थे क्योंकि हम लोग ना लेट हो गए थे थोड़ा सा, 12:30 पहुंचे हैं, भाभी अब खा रही है हमारी। और बस मैं भी थोड़ा मैं रेस्ट कर लेती हूँ। और ये देखो इनकी ना बहुत प्यारी है ये ना बिल्ली है ना, जो पहले बिल्ली दिखाई थी ना आपको मैंने, वो तो थोड़ा जो भाई तेज है, इसके बच्चे हैं ये, तीन बच्चे हैं इन्होंने ये भी पाले हुए हैं। ये देखो एक बच्चा ये भाई इतनी एक्टिंग कर रहा था। तो इसको देखिए, इनको देखिए ना बहुत लाड सा वो कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे छत में इंसान के बच्चे ना छोटे छोटे वो उस तरह कर रहा था। बस अब आगे थे भाई के घर की छत पे, भाई ने ना मतलब ऊपर वो डाला है पिलर विलर, देखे ना ऊपर लेंटर डाला है ऊपर उस पे, तो वो देखने आए थे क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ, मैंने नहीं देखा था। तो यहाँ से ना सोलन का नजारा देखो, और इस शहर को मैंने अपनी जिंदगी के ना 20 साल दिए, मतलब ये सोचो आप भी, इस शहर के चप्पे चप्पे से यादें जुड़ी हैं। तो ये शहर मैं बहुत मिस करती हूँ, यहाँ के लोगों को बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे रिश्ते बने हैं ना जो कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी, इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पे। और कल के ब्लॉग में ना जरूर देखना मैं किस काम से आई थी, बहुत अच्छा ब्लॉग है कल का, देखना जरा क्या था मेरा काम।